फिंड ब्रे वायट। आखिर क्या होता है फिंड? आखिर क्यों ब्रे वायट बन गए फिंड? आखिर यह फिंड शब्द है क्या? क्या मतलब होता है फिंड का? ऐसे बहुत से सवाल आजकल आपके दिमाग में जरूर आते होंगे दोस्तों, और आप भी यह सोचते होंगे कि आखिर ब्रे वायट को क्या हो गया। वैसे ब्रे वायट की बात की जाए तो पहले भी वह बहुत ज्यादा खतरनाक थे, पर जब से वह फिंड बने हैं तब से वह और भी ज्यादा डरावने हो गए हैं। द ईटर ऑफ द वर्ल्ड नाम से मशहूर विंडम लॉरेंस रोटुंडा यानी ब्रे वायट को आज कौन नहीं जानता। उनके पिताजी माइक रोटुंडा तो एक बहुत ही बड़े रेसलर थे, इतना ही नहीं उनके भाई भी रेसलर थे। कौन थे ब्रे वायट, इस पर मैं पहले ही आपके लिए विशेष वीडियो बना चुका हूँ। इतना ही नहीं, मैं तो सिस्टर एबीगेल पर भी आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ। पर जानते हैं आज फिंड के वे राज जिन्हें सुन के आप जरूर हिल जाएंगे। साथ ही आपके लिए खास सरप्राइज भी इस वीडियो में है। हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक। आपको पता ही है ब्रे वायट जब से फिंड बने हैं उन्हें काफी अच्छा पुश दिया जा रहा है WWE की तरफ से, और फिंड ने कई सारे हॉल ऑफ फेमर्स को अपना शिकार भी बना लिया है। इतना ही नहीं, फिंड के कैरेक्टर की वजह से WWE को काफी अच्छी रेटिंग भी मिल रही है, और जिस हिसाब से फिंड हर किसी को अपना शिकार बना ले रहे हैं आजकल, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक फिंड डेडमैन अंडरटेकर जैसे दिग्गजों को भी शिकार न बना ले। आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर फिंड ब्रे वायट का मास्क किसने बनाया, आखिर वह फिंड वाला डरावना मास्क बनाने वाला कौन है। तो दरअसल फिंड का वह डरावना मास्क बनाने वाले मशहूर स्पेशल मेकअप इफेक्ट डालने वाले आर्टिस्ट टॉम साविनी हैं, जिनके पास काफी ज्यादा अनुभव है। ब्रे वायट के उस खतरनाक फिंड वाले मास्क को बनाने में मदद करने वाले थे टॉम साविनी। टॉम साविनी और उनकी टीम ने मिलकर यह डरावना मास्क बनाया है दोस्तों। अब आप लोग कह रहे होंगे कि टॉम साविनी आखिर हैं कौन, तो उनके बारे में भी बताते हैं। दरअसल इनका पूरा नाम थॉमस विंसेंट साविनी है, और यह अमेरिकन एक्टर, स्टंट परफॉर्मर, फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ खतरनाक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। यह बहुत ही खतरनाक मास्क बनाते हैं। आप यह जान के हिल जाएंगे कि फ्राइडे द 13th मूवी में भी इन्होंने ही बनाया था मास्क। इतना ही नहीं, डाउन ऑफ द डेथ, डे ऑफ द डेथ और कई ऐसे भयानक मूवी में भी इन्होंने ही बहुत खतरनाक मास्क बनाए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने WWE में भी बहुत काम किया है। इन्होंने HHH के रेसलमानिया में जो HHH भूत वाला मास्क पहन के आते थे वह भी इन्होंने ही बनाया है। इतना ही नहीं, ल्यूक हार्पर और एरिक रोवन जो एक खास प्रकार का मास्क लगा के आते थे उसे बनाने वाले भी कोई और नहीं, वह भी टॉम साविनी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फिंड वाले उस भयानक मास्क को बनाने के पीछे किसका हाथ था। वैसे कभी कभी फिंड वाले मास्क को देखकर भी यही लगता है कि जरूर इसको बनाने वाला कोई खास आदमी रहा होगा, और अब तो आपको पता चल गया कि वह कौन है। चलिए थोड़ी बात अब फायरफ्लाई फन हाउस के उन खतरनाक पपेट्स पर भी कर लेते हैं जो फायरफ्लाई फन हाउस में हमें दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, जेसन बेकर जो खास डायरेक्ट करते हैं फायरफ्लाई फन हाउस के एपिसोड्स को, वह टॉम साविनी की टीम के साथ ही काम करते हैं। इतना ही नहीं, मिस्टर जेसन बेकर रेसलिंग रियलिटी पॉडकास्ट में भी आकर यह बता चुके हैं कि वह किस हिसाब से ब्रे वायट के साथ काफी बढ़िया काम करते हैं वहाँ पर। वैसे ब्रे वायट के फिंड की तरह ही फायरफ्लाई फन हाउस के यह खतरनाक पपेट्स भी बहुत डरावने लगते हैं। वैसे आप लोगों की इनके बारे में क्या राय है, अपनी बहुमूल्य राय कमेंट करके बताना न भूलें। कभी कभी आप लोग यह सोचते होंगे कि द फिंड होता क्या है, आखिर क्या मतलब होता है द फिंड का। अगर आप डिक्शनरी में इस शब्द का मीनिंग ढूंढेंगे तो द फिंड का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, या एक और इसका अर्थ निकल के आता है राक्षस, और एक और अर्थ इसका डिक्शनरी में लिखा गया है फिंड का मतलब पिचास भी होता है। वैसे द फिंड सुनने में आपको कुछ अजीब सा लगता होगा और आप सोचते होंगे इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, पर इसका मतलब तो बहुत भयानक होता है दोस्तों। और अब आप समझ गए होंगे फिंड का क्या मतलब होता है। क्या आपको पता है दोस्तों, फिंड वाले ब्रे वायट के बारे में आजकल यह भी अफवाह चल रही है कि वह जल्द ही एक नई वायट फैमिली बनाने वाले हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि फिंड और सिस्टर एबीगेल एक ही हैं, पर यह दोनों अलग अलग करेक्टर हैं और वह भी ब्रे वायट के ही हैं। सिस्टर एबीगेल पर मैं विशेष वीडियो बना चुका हूँ, पहले आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। द फिंड की यह बच्चे को पकड़ी हुई फोटो काफी लंबे समय तक वायरल है, और कई सारे लोगों को यह लगता है कि आखिर यह फिंड ने क्या कर दिया, फिंड ने किसके बच्चे को पकड़ लिया। यह तस्वीर काफी ज्यादा डरावनी लग रही है, तो चलिए इस तस्वीर का राज भी आपको बताते हैं। दरअसल यह बच्चा खुद ब्रे वायट का ही बच्चा है। आप
में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता भी होगी कि इसी साल ब्रे वायट की प्रेमिका जोजो ऑफरमैन ने एक बेटे को जन्म दिया था। इस कपल के इस बेटे का नाम नेस है और यह छोटा फिंड है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं इसे छोटा फिंड क्यों कह रहा हूँ। दरअसल फादर्स डे के दिन ब्रे वायट ने यह तस्वीर सोशल मीडिया में डाली थी। ब्रे वायट ने यह तस्वीर अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे साझा की थी और यह तस्वीर वायरल भी हो गई थी। इसमें बहुत सारे लाइक भी मिले हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, ब्रे वायट के डूबते कैरियर को फिंड ने बचा लिया। यह बात खुद ब्रे वायट ने एक इंटरव्यू में कबूल कर ली है कि फिंड वाले करेक्टर ने उनके डूबते कैरियर को बचा लिया। ब्रे वायट इसका श्रेय टॉम साविनी को देते हैं जिन्होंने फिंड वाले ब्रे वायट का मास्क बनाया, और यह बात काफी हद तक सच भी लगती है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर फिंड वाला करेक्टर नहीं होता तो ब्रे वायट कहां होते? आज का वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक और बेहद ही खास एपिसोड में इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।